तो कब से सीएनजी और पीएनजी पे आ जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि बुंदेलखंड की अवहेलना होती चली आ रही है, अब सरकार जा रही है तो क्या करें, बोले अब सीएनजी की घोषणा कर दो। अरे घोषणा कर दी, बनते 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 जब दूसरी सरकार का भी टर्म खत्म हो रहा होगा तब हमको सीएनजी मिलेगी। ये लॉलीपॉपों से अब कुछ होने वाला नहीं है। सीएनजी पीएनजी ये सब कागजी काम है, अगर घोषणा कर दी आना जाना कब आएगी, मेरे जिंदा रहते आएगी, मेरे बच्चे उसका उपयोग करेंगे या उनके बच्चे, कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी की किसी बात पे हम विश्वास नहीं करते। निश्चित बात है कि अगर ईंधन के संसाधन बढ़ेंगे तो लोगों की सुविधाएँ बढ़ेंगी, जो पेट्रोल पंप वगैरह पे भीड़ लगने वाली भीड़ है उसमें कमी आएगी। और दूसरी बात है कि सीएनजी और पीएनजी आने से ईंधन के संसाधन बढ़ेंगे और लोगों के ऊपर खर्चा भी कम आएगा। जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है हमने 5 करोड़ लोगों तक पीएनजी को भिजवाने में हमने सफलता हासिल की है। अब छोटे छोटे शहरों को भी हम लोग सीएनजी के माध्यम से प्रदूषण मुक्त करने के अभियान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमको उम्मीद है कि झांसी, जो उत्तर प्रदेश के महानगरों में से एक महानगर है, लेकिन वर्तमान सरकार की जो नज़र बुंदेलखंड पे है उसका भी हमको लाभ मिल रहा है। आज हम झांसी में इस प्रक्रिया को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे और आगे आने वाले समय में हम लोग नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर तक भी इस योजना को अगले 5 साल में हम लोग ले जाने में सफल होंगे। मेट्रो सिटी के बाद अब केंद्र सरकार छोटे शहरों में भी सीएनजी और पीएनजी की सुविधा पहुँचाने जा रही है, जिनमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं, झांसी और बस्ती। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सुविधा से कितना प्रदूषण कम होगा और लोगों की जेब से बजट कितना कम खर्च होगा। ईटीवी के लिए झांसी से राम नरेश यादव।